हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडी वर्ल्ड थ्रू माय लेंस। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर वाया जयपुर। अभी मैं हूँ ट्रेन में, लेकिन यहाँ पे भी एक मेरे साथ घटना घट चुकी है, एक बवाल हो चुका है ऑलरेडी। तो एक और कांड जो है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारी ट्रेन जो है वो चूरू से निकल चुकी है और अब वहाँ पहुँचेंगे जयपुर रात को 12:30 के बाद, 1:15 करीब। और उसके बाद में फिर हम 6:00 पकड़ेंगे ट्रेन उदयपुर के लिए। तो मैं आपको ये जर्नी दिखाता हूँ, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली में, और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वक्त हम जिस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं उसका नाम है हिसार कोटा एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 19814। और हम इस ट्रेन में चढ़े हैं चूरू से, और चूरू से ट्रेन का डिपार्चर था 8:35 रात के। और अब हम उतरेंगे जयपुर में, और जयपुर आने का समय है रात को 12:25। रास्ते में जो स्टेशन आने वाले हैं या जिसे हमारी ट्रेन क्रॉस करने वाली, वो है रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, रिंगस। तो आइए देखते हैं, क्योंकि जर्नी होने वाली काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाई थी, जनरल का टिकट लेके मैं स्लीपर क्लास में चढ़ा हूँ। और मैं टीटी से बात किया, और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं रिजर्वेशन के, वो पे करके एक रिजर्वेशन की सीट ले ली है। और मुझे टोटल जो फेयर लगा है वो है ₹160, जो कि एक स्लीपर क्लास के चूरू से जयपुर जाने के लिए जो रिजर्वेशन का फेयर होता है स्लीपर का, वही लगा है। और सोचा तो था कि आपको बाहर के नज़ारे दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि बाहर अंधेरा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, तो अब मैं सीधा मिलता हूँ आपसे जयपुर पे। फ्रेंड्स, अभी हम जयपुर पहुँच चुके हैं, और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ स्टेशन का, इस तरीके से स्टेशन को क्लीन किया जा रहा है। ये देखिए, पूरा साफ सफाई किया जा रहा है, पानी वगैरह डाल के, एकदम काफ़ी अच्छी बात है। ये है जोधपुर हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस। जोधपुर एक्सप्रेस काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन है हावड़ा से जोधपुर के रूट की, और क्योंकि जोधपुर से फिर जैसलमेर का लाइन भी आगे जाता है, तो कनेक्टिविटी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती है ट्रेन वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट का इंडिया के लिए। ये जो ट्रेन हमारे सामने है, ये है जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला एसी डबल डेकर, जो कि अभी थोड़ी देर बाद निकलेगी यहाँ से। मेरी कोशिश है कि फ्यूचर में मैं डबल डेकर ट्रेन की भी एक ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है कि वो ब्लॉग जल्दी ही आए। देखिए, ये है डबल डेकर के डब्बे। बाहर से तो लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए, इसकी सीटिंग डबल डेकर की। और जयपुर के प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मैसेज देखा हमने। दोस्तों, जयपुर से उदयपुर अब हम ट्रेवल करने वाले हैं, जयपुर उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 09721 में। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर में S1, यही है हमारे कोच। यहाँ से एंट्री खुली हुई है, यहाँ से हम चले जाएंगे अंदर। दोस्तों, तो अभी हम जयपुर से ट्रेन में बैठने वाले हैं, जो कि उदयपुर हमें ड्रॉप करेगी। ये पीछे ट्रेन जो है यही है हमारी ट्रेन। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। मैं और ये हमारा कंपार्टमेंट है, ये हमारा लगेज है, और ये नया कोच लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी
देख सकते हो फैंस काम कर रहे हैं, फैंस काम कर रहे हैं। और विंडो का स्टाइल भी चेंज किया है इन लोगों ने, ये देखिए विंडो अब स्लाइडिंग में आ गया, जो पहले अप स्लाइडिंग था अब राइट लेफ्ट स्लाइडिंग में आ गया। तो ये भी है नए कंपार्टमेंट में, आपको अंदर की तरफ दो सॉकेट्स मिल जाएंगे एक साइड में और एक साइड में एक, यानी कि तीन। और जो साइड सीट्स है वहाँ पे आपको एक सॉकेट मिल जाएगा। चार्जिंग पॉइंट, जी हाँ, तो छः लोग, आठ लोग में तीन चार्जिंग पॉइंट, नॉट बैड। ये ट्रेन के टॉयलेट है, बहुत साफ तो नहीं लगा लेकिन फिर भी फेयर इनफ से स्लीपर के कंपैरिजन में। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7 का व्यू जयपुर के स्टेशन का। मेरे पीछे चेयर कार लगी हुई है, चेयर कार का कंपार्टमेंट है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या कांड हुआ या क्या बवाल हुआ। एक्चुअली मैंने मई ट्रिप से जोरू से उदयपुर की डायरेक्ट बस की टिकट बुक की थी और बस का टाइमिंग मुझे मेक माई ट्रिप रेड बस और गोआईबीबो पे 6:30 का दिखा रहा था। लेकिन जब मैं 5:55 पे बस स्टैंड पहुंचा तो पता चला कि बस ऑलरेडी निकल चुकी है और बस 5:30 निकल गई और बस की टाइमिंग भी 5:30 ही है और इन लोगों ने ऑनलाइन पे गलत टाइमिंग डाल के रखी है। उसके बाद जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोलते हैं कि सर कोई रीज़न से बस जल्दी निकल गई है, आप फतेहपुर या फिर सीकर आ जाइए और वहाँ से आप बस बोर्ड कर लीजिए। सो लाइक इट वाज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी डिसरेस्पेक्टफुल कि आप कस्टमर को या जो पैसेंजर से उनको एक तरीके से हरास कर रहे हो, इट्स काइंड ऑफ हरासमेंट। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया लेकिन आई kept my calm और आई ट्राई टू गेट अ रेजोल्यूशन। फिर मैंने मेक माई ट्रिप में रिक्वेस्ट डाली ओनर से, जो कि मेरे बस के ओनर जो थे उनसे बात की और फिर उन्होंने मतलब जो उन्होंने कंप्लेन डाली तो फिर मुझे फाइनली रिफंड तो मिल गया मेरे बस का। लेकिन मेरा 3 दिन का जो उदयपुर का होटल बुकिंग थी अब वो 1 दिन तो मेरा वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। और गोआईबीबो पर मैंने बात भी की तो दे आर नॉट गोइंग टू रिफंड और दे आर नॉट गोइंग टू चेंज डेट्स ऑफ माई होटल बुकिंग। तो अब मैं जो 3 दिन का प्लान कर रहा था उदयपुर का वो मैं 2 ही दिन कर पाऊँगा, और तो 2 दिन भी नहीं क्योंकि मैं आज आफ्टरनून में पहुँचूँगा तो 1.5 दिन ही हो जाएगा। तो जितना होगा उतना मैं इस ब्लॉग में कवर करूँगा और वैसे ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है तो होपफुली कि मैं कुछ अच्छा आपके लिए कंटेंट आगे दिखा सकूँ इस ब्लॉग पर। तो इस ब्लॉग के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। सुबह 6:15 का डिपार्चर है हमारी ट्रेन का, जो कि अब बस कुछ ही क्षणों में होने ही वाला है। देखिए फ्रेंड्स हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है और कितनी ग्रीन डे है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह का मौसम काफ़ी प्यारा हुआ हुआ है, काफ़ी अच्छी ठंडी हवा लग रही है। और वैसे तो ये ट्रेन की जर्नी मेरी प्लान थी ही नहीं, सब कुछ लास्ट मिनट में मैंने प्लान किया है क्योंकि जो मेरा बस के साथ जो इश्यू हुआ उसके बाद में सब करना पड़ा मुझे। और इसी वजह से रात तो मुझे 12:30 के बाद जयपुर के प्लेटफॉर्म पर ही बितानी पड़ी है, तो रात को नींद तो हो ही नहीं पाई। अब देखते हैं आगे सफ़र में कैसे होता है। सो लास्ट मिनट प्लान होने के बावजूद भी मुझे ट्रेन में रिजर्वेशन मिल गई और जो फेयर मैंने पे किया है वो है स्लीपर का 385 जयपुर से उदयपुर सिटी के लिए। हमारी ट्रेन का उदयपुर पहुंचने का टाइम है 1:20 और देखते हैं कि टाइमली पहुंचती है कि नहीं। और वैसे बता चाहूँगा कि रास्ते में हमारी ट्रेन क्रॉस करेगी किशनगढ़, अजमेर, भिलवाड़ा, मावली जंक्शन। ये रात को मेरी नींद हुई नहीं ठीक से, तो देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि कुछ मैं आपके लिए कवर कर सकूँ।
लेकिन अगर नींद आ गई तो बोल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा स्लीपी फील होने लग गया है। तो थोड़ी देर सो लेता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। थोड़ी देर नींद लेने के बाद जब आँख खुली तो मैंने देखा एक काफ़ी अच्छा हरियाली वाला एक ये व्यू, तो वो मैंने अपने रिकॉर्ड किया और फिर वापस में सो गया। और फिर वापस जब थोड़ी देर बाद उठा तो देखा अरावली पर्वत की रेंज चालू हो चुकी है और देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और साथ ही हमें मिल गई उदयपुर से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की क्रॉसिंग, ट्रेन नंबर 19609। और आगे देखिए अरावली की जो ये व्यू है बहुत ही शानदार है। और अब हमारी ट्रेन घुस चुकी है टनल में और अब टनल से निकलते ही नज़ारे हैं, मज़ेदार नज़ारे हैं, एकदम दिल को छू लेने वाले, आँखों को खुश कर देने वाले, दिल को खुश कर देने वाले नज़ारे। वैसे तो मैं इस रूट पर पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर आप लोग ने इस रूट पर ट्रैवल किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जर्नी में और अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस आगे और आते रहेंगे इस चैनल पे। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए सारे स्टेशंस कवर नहीं कर पाया इस रूट पे, ये एक थोड़ा सा मुझे अफसोस है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगली बार वापस एक बार इस रूट को कवर करूँ और आप लोगों को इस रूट की जर्नी थोड़े और अच्छे तरीके से दिखाऊँ। ये है राणा प्रताप नगर का स्टेशन। हमारी ट्रेन का डिपार्चर राणा प्रताप नगर स्टेशन से हो गया है और अब मिलते सीधा उदयपुर सिटी पे। दोस्तों अब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है उदयपुर सिटी स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म तो काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और देखिए पेड़ वगैरह फूल वगैरह भी लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा देख के। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं उदयपुर सिटी और हमारी ट्रेन हो गई कि करीबन 2 घंटे के ऊपर लेट, लेकिन कवर करके ये 1.5 घंटे लेट पहुंची है। फ्रेंड्स तो ये ट्रेन में जर्नी तो काफ़ी अच्छी थी तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, हालांकि थोड़ी लेट जरूर हुई और मैं खाने पीने का ज़्यादा सेलर तो कोई आया नहीं थे, इसके लिए मैं आपको फूड रिव्यू भी दिखा नहीं पाया हूँ। तो बेटर है कि इस ट्रेन में आप कुछ खाना पीना साथ लेके चले। उदयपुर सिटी प्लेटफॉर्म पर भी लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये देखिए सामने आपके लिफ्ट है यहाँ की। सामने जो ट्रेन है ये जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं उसी की दूसरी है जो कि उदयपुर से जयपुर जाने वाली है अभी। और ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको उदयपुर का प्लेटफॉर्म और अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध के एक दृश्य का पेंटिंग लगा हुआ है, देखिए कितना शानदार बना हुआ है उदयपुर का रेलवे स्टेशन। देखिए दोस्तों कितना सुंदर एंट्री गेट बना हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।